तो जैसे कि देख रहे हो इंडिको है ECS, इसमें दो टाइप के इंजन आते थे TDI और CR4। CR4 वाली है इंजन टाइमिंग मिलाएंगे, मार का तो सभी बताते हैं, मार के मार्क एम का ये यहाँ पे रहेगा, पंप का यहाँ पे रहेगा, क्रेंक यहाँ पे लोक होगी, सारी चीज स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बैरिंग कहाँ पे एकदम बढ़िया सेट होता है, बैरिंग को कहाँ पे रखना है, किस साइड को बैरिंग पे घुमाना है, केम की पुली का बोल्ट कब टाइट होगा पास में, आप देखते एक्स्ट्रा पावर एक्स्ट्रा माइलेज एक्स्ट्रा पिकअप के लिए ये इंजन दिया। इसकी टाइमिंग देंगे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, डबल केम आती है, केम पे दोनों पे मार्क आएंगे, क्रेंक कहाँ पे लॉक होगी, पंप का क्या मैटर है सब देखेंगे। अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक करते हुए जाना, थैंक यू। दोनों केम ले ली है, दोनों केम पे ये देखिए मार्क है, पास में ला भाई थोड़ा, ये देखिए मार्क से मार्क मिल जाएगा, ठीक है, स्लोट भी ये दो स्लोट है बराबर आ जाएंगे, स्टोलेशन देखेंगे स्टोल कैसे होंगे, सारी चीज एकदम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, नीचे से क्रेंक की टाइमिंग भी लॉक करेंगे। दो केम है, एक केम में देखिए यहाँ पे आ जाएगा स्लोट, दूसरी वाली यहाँ पे आ जाएगी, सील अपने पहले इंस्टॉल करनी है, सील अंदर हमने यहाँ पे देखिए सील डाल दी, दूसरी वाली यहाँ पे मार्क से मार्क मिला लेंगे दोनों के, ये देखिए डॉट से डॉट हमने मिला दिए, ये पतले वाले स्लोट भी देखिए एकदम सीधे रहने चाहिए दोनों, कोई आप रेजमाल का फंदर वगैरह लेके एकदम प्रॉपर बिठा सकते हैं, लेकिन ये स्लोट है, ये स्लोट देखिए स्लोट एकदम प्रॉपर रहना चाहिए। इसमें एक लफड़ा और रहता है, लफड़ा ये रहता है कि अगर हम एडजस्टर जो दाब का बैरिंग आता है उसको उल्टी साइड में घुमा देंगे तो बेल्ट कटना शुरू हो जाएगा और बेल्ट पूरा टूट जाएगा, फिर से हमको टाइमिंग मिलानी पड़ेगी। उसको एडजस्टर को कहाँ पे रखना है ये बात भी एकदम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ऊपर कैप्स लगाएंगे, बोल्ट ये इसमें दो टाइप के बोल्ट है, ये देखिए ऊपर केम की जो कैप आती है उसके बोल्ट है, ये बोल्ट देखिए पूरा इस साइड में नहीं जा रहा, यहाँ पे आके अटक जा रहा है और इस साइड में पूरा बोल्ट जा रहा है, दोनों बोल्ट की डिजाइन अलग अलग है, ठीक है, इसमें पूरा नहीं जा रहा, इसमें पूरा जाना है, केप को अच्छे से देख के लगाना है, कहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। अब देखो यहाँ पे देखो केम के होल है, ये वाला होल थोड़ा बड़ा करके है क्योंकि ये कैप एकदम फिक्स आएगी, इस पे दाब लिमिट की होनी चाहिए, ये बोल्ट अंदर तक है, ये वाला सही नहीं है, एकदम फ्लैट बोल्ट है, वो उस साइड लगे इस साइड में लगेगा, ये ऐसे करके स्टॉल हो जाएगा, दूसरा वाला बोल्ट उधर लग जाएगा, ये बात ध्यान में रखनी है। सारे कैपों पे यही मेथड होता है, एक होल बड़ा है एक छोटा है, वो देख के लगाए, ठीक है। किसी देखिए मैकेनिक भाई ने इस पॉइंटों पे सारे पे नंबर लगाए हैं, एक नंबर दो नंबर चार नंबर, देखिए स्क्रू ड्राइवर से नंबर लगाए हुए हैं पंचिंग करके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर ये बोल्ट आप देख लेंगे, दो टाइप के बोल्ट आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आ गई, एकदम फुल डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। अब इसकी टाइमिंग मिलाएंगे, टाइमिंग मिलाने के लिए आगे पुली है वो बाद में टाइट करना पड़ेगा, पुली एक बार लगा देंगे नीचे से, अब क्रेंक लॉक करेंगे। इनकी टाइमिंग के तरफ आ गए, चैम्बर हो गया यहाँ पे, ये देखिए क्रेंक सेंसर है, आपको दिख रहा होगा इसके पास जस्ट ऊपर स्लोट आता है, ये देखिए साइड में स्लोट दिख रहा होगा, इस स्लोट में एलंकी डल जाएगा, स्लोट में एलंकी डाल दिया 5 नंबर का, ठीक है। अब 5 नंबर गियर डाल के टायर घुमाएंगे, आगे की तरफ टायर घुमा भाई, जैसे जैसे 5 नंबर गियर डाल के घुमाएंगे तो इंजन घूमेगा, ठीक है, यहाँ पे लॉक हो जाएगा, आगे घुमा नहीं घूम रहा है, पीछे घुमा नहीं घूम रहा है, इसका मतलब अपना इंजन एकदम लॉक हो गया, यहाँ पे क्रेंक लॉक हो गई। तीर की देखिए तीर का स्लोट बना हुआ है, ये देखिए दिख रहा होगा ये एरो, ये इसी साइड में घूमेगा, 6 नंबर एलंकी लग के घूम जाएगा, और ये वाला स्लोट ये देखिए इसके लिए एक रिपट दिए हुई, इस रिपट में स्लोट हो जाएगा, एक बोल्ट का दिख रहा होगा आपको, ये दोनों इसी में सेट हो जाएंगे, एक में बोल्ट लग जाएगा और एक में ये वाला कट लग जाएगा। ये देखिए नीचे देखिए बैरिंग लगा दिया है, एडजस्टर बैरिंग, सारी पुलियों पे बेल्ट चढ़ा दिया, ये वाली पुली एंड में डलेगी आराम से इजीली, यहाँ पे स्लोट में बैठा देना, ये स्लोट में बैठ गई, जब तक टाइमिंग पूरी नहीं मिले तो इस पुली को लॉक नहीं करना है, टाइट बोल्ट वाला टाइट नहीं करना है, एंड में बोल्ट टाइट करेंगे, पहले टाइमिंग बेल्ट टाइट करेंगे, उसके बाद में आगे का स्टेप बताऊंगा
का एग्जेस्टर बोल्ट है, एकदम फेस कर दें, टाइट नहीं करना है। अब एग्जेस्टर पर दाब देंगे, एकदम सेंटर में आने के बाद में ये अपना बैरिंग टाइट कर देना है। 12 mm का बोल्ट दिख रहा होगा आपको, ये बोल्ट है 12 mm का, हिसाब का ही कसना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए क्योंकि एल्यूमिनियम में होता है, स्लिप भी हो सकता है। बढ़िया टाइट हो गया। इसके बाद में बेल्ट देखिए, यहाँ से बेल्ट की टेंशन देख ले, ज़्यादा बेल्ट की टेंशन नहीं होनी चाहिए, हिसाब की है ये देखिए। अब इंजन को घुमा के देखेंगे, टाइमिंग का मार्का बता दिया, दोनों ठीक है, यहाँ पे मार्क आ गए दोनों। अब हमको करना क्या है, ये पुली का नट हमने टाइट नहीं किया था ये वाला, अब इस बोल्ट को टाइट करेंगे। टाइट करने के लिए यहाँ पे देखिए 24 mm का स्पैनर लग जाता है, फिक्स स्पैनर यहाँ से पकड़ लेंगे। इससे क्या होगा, बेल्ट पे टेंशन नहीं आएगी ज़्यादा, आराम से इजीली हम इसको टाइट कर सकते हैं नीचे। कई बार क्या होता है, ज़्यादा टाइट करने पे जो एलंग की लोक होती है वो भी टूट जाती है, अंदर फंस जाती है। इसके लिए पहले से सेफ्टी रखे, यहाँ पे लोक होगा स्पैनर से, इसको अब टाइट कर देंगे भाई। 18 नंबर की गोटी लगेगी इसके, स्पैनर के हाथ रख ले। बढ़िया, नीचे से क्रैंक था, लोक निकाल दिया, दिखा दिया दोनों टाइप से, बिंदु का निशान मिला है। अब इंजन को घुमा के देखेंगे, इंजन को घुमाने के लिए 5 नंबर गियर डाला हुआ है, घुमा भाई आगे आगे, ये देखिए आराम से पूरा एक राउंड घुमा के देखना है अपन को। इंजन एकदम इजी घूम रहा है, पूरा एक दो राउंड देख के देख ले, ठीक है। बढ़िया तरीके से फिटिंग कर चुके हैं इसका।